अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ सीएनएस फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रही हूँ। सीएनएस फार्माकोलॉजी में आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है हमारे पास सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। ठीक है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जिन्हें यूज करके हम पेशेंट को सिडेट कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिडेटिव और हिप्नोसिस है क्या। सो सिडेटिव जो है उसका मतलब होता है जब आप एंजाइटी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंजाइटी को पेशेंट के अंदर रिड्यूस कर देते हैं और उसके ऊपर एक कामिंग सा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो गनूदगी में चला जाता है और वो उसका जो सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाता है, लेकिन सीएनएस इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं होता जितना कि हिप्नोसिस में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लास में बैठे हैं तो लेक्चर के आधे घंटे के दौरान, आधे घंटे बाद जो चीज होती है वो होती है सेडेशन, और एक घंटे बाद जब आपको नींद आ जाती है तो इंडक्शन ऑफ नींद को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ऑफ स्लीप को हम क्या कहते हैं, हिप्नोसिस कहते हैं। सो हिप्नोसिस और सेडेशन दोनों के अंदर सीएनएस डिप्रेस हो रहा है, लेकिन हिप्नोसिस में सीएनएस डिप्रेशन ज्यादा है और पेशेंट जो है वो कहां चला जाता है, उसका ब्रेन टोटली डिप्रेस हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और उसको नींद आ जाती है। अब हमने कुछ ऐसी ड्रग्स आज पढ़नी है जिनके थ्रू हम सिडेशन और हिप्नोसिस इंड्यूस करा सकते हैं, हम नींद में लेके जा सके पेशेंट को। हम पेशेंट को नींद में क्यों भेजना चाह रहे हैं, हम क्यों चाह रहे हैं वो सो जाए, उसका ब्रेन हिप्नोटाइज हो जाए, सिडेट हो जाए, क्योंकि शायद उसको इंसोमनिया है। ठीक है, नींद की बीमारी है, या फिर उसको ऐसा है कि अगर वो जागता है तो कुछ पुरानी चीजों को याद करता है, रोता है, इस तरह की कंप्लेन्स हैं, तो भी हम ये देते हैं ताकि वो सोया रहे और कुछ सुकून रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने सिडेशन और हिप्नोसिस प्रोड्यूस करनी है। सिडेशन और हिप्नोसिस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सीएनएस को डिप्रेस करना पड़ेगा। अब हम उसके सीएनएस को किस तरह से, हाउ, कैसे डिप्रेस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होगी हम सीएनएस को डिप्रेस कर सकते हैं अगर हम सीएनएस के अंदर इनहिबिशन बढ़ा दें, तो कौन सा इनहिबिटरी पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो हम सीएनएस में काफी टाइम से पढ़े आ रहे हैं, तो वो है गाबा। हम किसी भी तरह अगर गाबा के लेवल्स बढ़ा दें तो हम क्या बढ़ा देंगे, इनहिबिशन। इनहिबिशन बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, डिप्रेस हो जाएगा सीएनएस, और सीएनएस की एक्टिविटीज जब डिप्रेस हो जाएंगी तो पेशेंट सिडेट या हिप्नोटाइज हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं, हिप्नोसिस में चला जाएगा। अब हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, हम क्या दे दें, दो ड्रग्स अब पीछे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन है और जो बारबिट्यूरेट है, बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट, ये क्या करती हैं, ये दोनों गाबा और गाबा के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आप किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूं। सो अगर आपने इनके डिफरेंस को देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और आज की वीडियो में भी हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सो ये गाबा और गाबा के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, क्लोराइड इन्फ्लक्स बढ़ाती हैं, हाइपरपोलराइजेशन करती हैं और यूं इनहिबिशन कर देती हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि नेचुरली हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन। ठीक है, ये मेलाटोनिन क्या करता है, ये स्लीप इंडक्शन करता है। सही है, ये स्लीप इंड्यूस कराता है। तो अगर हम बाहर से क्या दे दें, मेलाटोनिन एगनिस्ट दे दें, मेलाटोनिन रिसेप्टर एग्नेस जिसे रेमल्टन कहते हैं, तो भी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, सिडेट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑरेक्सिन, ऑरेक्सिन क्या करता है, वेकफुलनेस करता है, लेकिन हम पेशेंट को क्या कराना चाह रहे हैं, नींद में भेजना चाह रहे हैं, तो हम ऑरेक्सिन को क्या करेंगे, एंटेगनाइज कर देंगे। सो ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देके भी हम पेशेंट को सिडेट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में हमारे पास बेंजोडाइजेपिन, बारबिट्यूरेट, मेलाटोनिन एगनिस्ट, ऑरेक्सिन एंटेगनिस्ट आ गई। उसके अलावा हम कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइकोसिस में भी क्या हुआ हुआ होता है, साइकोसिस एंटीसाइकोटिक ड्रग हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है, सो एंटीसाइकोटिक ड्रग को भी यूज कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी जाके समहाउ डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाता है इनिशियली, तो ये भी हमारे पास क्या करने में हेल्प करता है, ब्रेन को डिप्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन, तो क्या होगा। तो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो ये है कि बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट का ना आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट का डिफरेंस कर लेते हैं, फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ड्रग्स को डिस्कस कर लेंगे। अब नॉर्मली समझना आपने क्या होता है कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है, चैनल है। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, गाबा रिसेप्टर है। अब ये जो गाबा चैनल है, सारे का सारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके ऊपर यहां पे होता है गाबा रिसेप्टर। ये स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, गाबा के लिए। सो गाबा ने जब भी आना है, ये नॉर्मली हो रहा है, गाबा ने
जब भी आना है इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होना है। जैसे ही गाबा ने इस रिसेप्टर पे अटैच होना है, क्लोराइड चैनल्स यहाँ से खुल जाने हैं, क्लोराइड अंदर जाना है, अंदर जाके हाइपरपोलराइजेशन होनी है, इनहिबिशन हो जानी है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हुआ, अगर हम गाबा की बात करेंगे तो गाबा जो है वो अपने गाबा ए रिसेप्टर पे आके लगा है, और लगने के बाद क्या हुआ, इसने क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर दिया। क्लोराइड चैनल ओपन हुए तो क्लोराइड जो है वो अंदर गया तो हाइपरपोलराइजेशन हुई और इंटरन इनहिबिशन होगी। ये बात होती है नॉर्मल। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने बेंजोडाइजेपिन दे दिया पेशेंट को या बारबिट्यूरेट्स दे दिया तो क्या होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बेंजोडाइजेपिन है और जो बारबिट्यूरेट्स है, इन दोनों के यहाँ पे अलग अलग रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिसेप्टर है ये किसके लिए है, ये है बेंजोडाइजेपिन के लिए, और ये जो रिसेप्टर है ये किसके लिए है, बारबिट्यूरेट्स के लिए। ये किसके लिए है, बारबिट्यूरेट्स के लिए। तो यहां पे हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन की, कि बेंजोडाइजेपिन क्या करती है। हमने समझ लो ये बेंजोडाइजेपिन थी जब दी, जैसे ये बेंजोडाइजेपिन यहां पे आके लगती है तो ये बेंजोडाइजेपिन का क्लोराइड चैनल के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। बेंजोडाइजेपिन क्या करती है कि ये जो गाबा की अटैचमेंट है ऑन गाबा रिसेप्टर, इसको फैसिलिटेट करती है, इसको एनहेंस करती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गाबा को ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर पे अटैच कराएगी। यहां पे अटैचमेंट के बाद ये इसका काम है, जब गाबा ज्यादा से ज्यादा अटैच होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड चैनल्स खुलेंगे, और जितने क्लोराइड चैनल खुलेंगे उतना क्लोराइड अंदर जाएगा और उतनी इनहिबिशन होगी। सो बेंजोडाइजेपिन क्या करती है, ये अपने बेंजोडाइजेपिनिक रिसेप्टर पे लगती है, लगने के बाद ये फैसिलिटेट करती है, ये गाबा फैसिलिटेटरी है, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये फैसिलिटेट करती है किसको, गाबा की अटैचमेंट को टुवर्ड इट्स गाबा रिसेप्टर। ये गाबा को गाबा रिसेप्टर पे अटैचमेंट को फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं और फ्रीक्वेंसी इनहेंस होती है, बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, हाइपर पोलराइजेशन होती है, और क्या इनहेंस हुई भी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनहेंस हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछते हैं। अब बात करते हैं बारबिट्यूरेट की, कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये समझ लो बारबिट्यूरेट है, बारबिट्यूरेट जब अपने बारबिट्यूरेट रिसेप्टर पे जाके लगेगा तो ये डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को खोलेगा और ज्यादा देर के लिए खोल के रखेगा, नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे और अंदर क्या होती जाएगी, इनहिबिशन। सो जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये लगते हैं अपने बारबिट्यूरेट रिसेप्टर पे, रिसेप्टर के लगने के बाद ये खुद डायरेक्टली क्लोराइड चैनल्स को ओपन करते हैं। जब ये क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं, क्लोराइड अंदर जाता है, हाइपरपोलराइजेशन और इनहिबिशन होती है। तो देखो गाबा ने क्या किया था, क्लोराइड चैनल को खोला था, बारबिट्यूरेट ने भी क्या किया, क्लोराइड चैनल को खोला। इसका मतलब है बारबिट्यूरेट क्या है, गाबा माइमेटिक, ये गाबा को मिमिक करते हैं, गाबा को कॉपी करते हैं, डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को खोल देते हैं, जबकि बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं गाबा की अटैचमेंट ऑन गाबा रिसेप्टर। तो ये डिफरेंस जो है इन दोनों का आप लोगों ने नहीं भूलना कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है और ये किसको इनहेंस करता है, ड्यूरेशन को। बारबिट्यूरेट ड्यूरेट से याद रखो, ड्यूरेट से याद रखो, ड्यूरेशन बढ़ाता है, और बेंजोडाइजेपिन जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास बारबिट्यूरेट में और बेंजोडाइजेपिन में। ठीक है, तो अगर आपके पास आते हैं तो आपने क्लियर कट ये डिफरेंसेस लिखने हैं, बाकी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक तो हमें समझ आ गई कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये क्या है, गाबा मिमिक है, गाबा माइमेटिक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको खोल देते हैं, जबकि बेंजोडाइजेपिन क्या है, ये गाबा फैसिलिटेटरी है। एक बात होगी, दूसरी बात यह है कि जो बारबिट्यूरेट है ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, ये क्लोराइड चैनल को ज्यादा देर के लिए ओपन रखेंगे, जबकि ये नंबर ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग बढ़ा देंगे। सो ये किस चीज को बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है कि ये जो बारबिट्यूरेट्स है ना, ये बहुत ज्यादा एंजाइम इंड्यूसर है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है, और स्पेसिफिकली ये ALA सिंथेटेज को इंड्यूस कराती है। ठीक है, अब ALA सिंथेटेज को जब ओवरली इंड्यूस कराएंगी तो वो क्या कॉज कर देगा, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया कर देगा। ठीक है, सो ये क्या कर सकती है, एंजाइम इंडक्शन के थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकती है, और एक पेशेंट को अगर पहले से पोरफायरिया है तो ये उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी, बेंजोडाइजेपिन आपने बारबिट्यूरेट आपने उसको नहीं देनी, जबकि बेंजोडाइजेपिन इतनी स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंडक्शन नहीं। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आ जाती है कि इनका बड़ा एडिक्टिव इफेक्ट है, अगर पेशेंट बारबिट्यूरेट लेता है तो वो क्या हो जाता है, उससे एडिक्ट हो जाता है, जबकि ये लेस एडिक्शन कॉज करती हैं, ये डिपेंडेंस कॉज कर देती हैं और टॉलरेंस डेवलप करती हैं बहुत जल्दी, जबकि ये लेस डिपेंडेंस और लेस टॉलरेंस डेवलप करती हैं। तो बात समझ आ रही है आपको कि हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन है वो बेहतर है एज कंपेयर टू
बारबिट्यूरेट। देन हमने जब इनका रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ करके देखा तो इसका जो है वो हमारे पास स्टीव सा कर्व आ रहा था, जबकि इसका फ्लैट कर्व आ रहा था। इसका मतलब है फ्लैट कर्व आने का क्या मतलब है कि ये सेफर ड्रग है। अगर ये ड्रग बढ़ती भी है तो इतना रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता, जबकि ये अगर थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। इसका जो है वो आपने याद रखना है स्टीव आता है, स्टीव का मतलब है ये लोअर सेफर है, ये इतनी सेफर नहीं है, जबकि ये हमारे पास सेफर ड्रग है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये गाबा मिमिक्री हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, एंजाइम इंडक्शन करके पोरफायरिया कर सकते हैं ये नहीं करते, एडिक्शन करते हैं ये नहीं करते, टॉलरेंस डेवलप करते हैं ये नहीं करते, और इनका स्टीप कर्व है यानी ये सेफर नहीं है जबकि ये ज्यादा सेफर है। इसके अलावा आपने याद रखना है ये हमारी थिंकिंग को इम्पेयर करके बहुत स्ट्रांग एमनीजिया करते हैं और स्पेशली इंटेरोग्रेड एमनीजिया करते हैं, जबकि ये एमनीजिया जो है वो उसकी निस्बतन कम करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास ना इसकी ओवरडोज हो जाए, इसकी ओवरडोज हो जाए तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडॉट प्रेजेंट नहीं है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन कर सकते हैं, जो कि इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जबकि इसका एक स्पेसिफिक एंटीडॉट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फ्लूमेजेनिल। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आता है कि हमारे पास एंटीडॉट कौन है बारबिट्यूरेट का, तो फ्लूमेजेनिल है। यहां पर मैंने आपको पहली दोनों क्लासेस जिन्हें यूज करके हम सिडेशन और हिप्नोसिस कॉज कर सकते हैं उनके बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाए हैं और उनके डिफरेंसेस लिखवाए हैं। अब नेक्स्ट मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगी।